हेलो पैथन प्रोग्रामर्स। तो देखिए, हमने कल अपनी जो एक वीडियो थी उसमें हमने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने बताया था आपको कि हम कैंपस प्रिपरेशन के प्रोग्राम पाइथन में हम लाने वाले हैं, जिसमें हम सेट वन अभी देख रहे हैं। और हमने ये भी बताया था इसके बाद हमारे सेट टू, थ्री और फोर, इस तरह से हमारे पास चार सेट हैं जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। ये वो प्रोग्राम हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो आप मोस्टली आईटी कंपनी में पूछे जाने वाले कोडिंग वाले क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आप निकाल पाओगे, उनके आंसर आप दे पाओगे। यहाँ पर आपको पाइथन लैंग्वेज में उनको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाएगा, लेकिन मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप कोई दूसरी लैंग्वेज में भी कमांड कर रहे हो, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा या किसी दूसरी और लैंग्वेज में, तो आप वहाँ पर उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सको। तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट पाइथन में करूँगा, लेकिन आप कर पाओ उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में, और इम्प्लीमेंट अगर आप पाइथन में नहीं कर रहे हो तो आप उसको इजीली कर पाओ, उस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी हर प्रोग्राम की। तो देखिए, हमने जो अपना सेट वन था उसको मैं खोल लेता हूँ पीडीएफ। तो ये सेट वन था जो मैंने आपको कल दिखाया भी था वीडियो में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस पीडीएफ का लिंक भी है, आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, जो पहला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ द करेक्टर इज अ वोवेल और कंसोनेंट। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हमें यूजर से करेक्टर इनपुट करवाएंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो करेक्टर इनपुट हुआ है वो वोवल करेक्टर है या कंसोनेंट है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले हमें देखना कि ये वोवल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अपने वन नोट में ये प्रोग्राम पेस्ट कर लिया, राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द करेक्टर इज वोवल और कंसोनेंट। तो देखिए, जो हमारे करेक्टर होते हैं इंग्लिश की, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश अल्फाबेट की, ए से लेकर जेड तक होते हैं, उनको कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखते हैं। और ये आप जानते हो टोटल 26 करेक्टर होते हैं, ठीक है, यही बात आप जानते हो, ये 26 करेक्टर है। और ये ए बी सी इसके स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है। और इनमें वोवेल्स कौन से हैं, तो देखिए ए ई आई ओ यू, ये करेक्टर भी मिलते हैं इन 26 करेक्टर में से। तो ये जो 5 करेक्टर हैं इन 26 में से, ये हमारे वोवेल्स कहलाते हैं। और बाकी के बचे हुए 21 करेक्टर, क्योंकि 5 करेक्टर यहाँ निकल गए वोवेल्स के, तो बाकी ये 21 करेक्टर बचे, इनको हम कंसोनेंट बोलते हैं। ये कंसोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं, हिंदी का शब्द है, और वोवेल्स को हम स्वर बोलते हैं, बात समझ। तो हमें प्रोग्राम में यही दे रहा है कि आइडेंटिफाई करना है कि यूजर ने जो भी, जैसे हमने मान लो आप प्रोग्रामिंग की, अब मैं बात कर रहा हूँ, यूजर, हम कोई एक वेरिएबल बना लेंगे एस नाम का या फिर ए नाम का बना लेते हैं, चलो ए नाम का हम कोई वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। अगर आप सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज़ करोगे, सी प्लस प्लस में सीन का यूज़ करोगे, जावा में नेटस्केयर का यूज़ करोगे, ऐसे पाइथन में इनपुट का यूज़ करोगे, तो वहाँ पर एक करेक्टर इनपुट हो जाएगा। मान लो यूजर ने इनपुट करा ए, ठीक है, ए करेक्टर यूजर ने इनपुट किया। अब अगर ए करेक्टर यूजर ने इनपुट किया है तो हम इसको चेक करवाएंगे इफ से, कि जो ए वेरिएबल है ये बराबर है ए के, और इसी तरीके से हम सारे पी आई ओ यू इन चारों के लिए भी चेक करवाएंगे। तो अगर इनमें से किसी के भी बराबर होता है, यानी इनमें से कोई भी एक करेक्टर यूजर ने इनपुट किया, तो वो जो करेक्टर है हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे कि ये करेक्टर वोवेल्स है, एल्स में बाकी करेक्टर क्या होंगे, ये होंगे या कुछ और होगा, इनमें से कुछ हुआ तो कह देंगे ये करेक्टर नहीं, ये कंसोनेंट है। तो यही हम कोड बनाने वाले हैं। तो चलिए, मैं अब कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि क्या पूछा है, इसमें चेक करना है जो करेक्टर है वोवेल्स है या कंसोनेंट है। तो वोवेल्स हमारे ये होते हैं 5 और कंसोनेंट हमारे ये होते हैं, और इसको हम इफ एल्स से लगा कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने वी एस कोड में जाता हूँ और मैं पाइथन में कोडिंग करूँगा। तो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया एस नाम का, मैं स्मॉल एस ही ले लेता हूँ, उसमें मैं यूजर से इनपुट करवाता हूँ कि एंटर अ करेक्टर। तो सी लैंग्वेज में बात कर दूँगा तो आप प्रिंट एफ लिखोगे, प्रिंट एफ में लिखोगे एंटर अ करेक्टर, तो एंटर अ करेक्टर, ठीक है। आप प्रिंट एफ में लिखोगे सी लैंग्वेज में, ये मैं जानता हूँ बात, और आप भी जानते हो जिसको सी लैंग्वेज आती हो, तो आप पाइथन में ऐसे लिखोगे। यहाँ पर प्रिंट एफ स्कैनर का काम एक ही लाइन कर देती है पाइथन में। इनपुट क्या करेगा, ये पहले तो मैसेज प्रिंट करवाएगा आउटपुट स्क्रीन पर, एंटर अ करेक्टर, और यूजर कोई करेक्टर एंटर करेगा तो इनपुट फंक्शन यहाँ पर ये करेगा कि जो करेक्टर होगा वो एस में साइन हो जाएगा, ठीक है। और ये रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, और हमें स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे करेक्टर स्ट्रिंग अलग अलग नहीं होते पाइथन में, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग होता है सिर्फ, तो वो भी एक एस में साइन हो जाएगा जो भी करेक्टर होगा, और हम उसी को अब चेक करवाएंगे। तो हम यदि, यानी इफ, एक कंडीशन लिखेंगे एस में या तो ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है, इन 5 करेक्टर में से कोई भी करेक्टर है तो हम ये चाहते हैं कि वो वोवेल करेक्टर प्रिंट हो, एल्स वरना अगर वो इन 5 करेक्टर में से कुछ भी एंटर नहीं हुआ है तो वो कंसोनेंट करेक्टर प्रिंट हो। तो हम ये चेक करेंगे कि एस, एस में मान लो कोई
यूजर ने इनपुट कर दिया जैसे कि आई, और आई हम जानते हैं वोविल करेक्टर है। देखिए आई एक वोविल करेक्टर है, ठीक है, तो कुछ भी एंटर कर सकता है। अभी हमने एग्जांपल लिया है आई, तो हम यही चेक करवाएंगे एस की वैल्यू या ए के बराबर है, और ये बराबर ए के तभी होगी जब यूजर ने ए एंटर करा होगा, नहीं तो एस की वैल्यू ई के बराबर है, नहीं तो और लिख रहा हूँ मैं लॉजिकल और ऑपरेटर, सी सी प्लस प्लस जावा, इन तीनों लैंग्वेज में इस सिंबल का यूज होता है और ऑपरेटर के में, लेकिन पाइथन में ऐसे लिखेंगे हम ओ आर, इंग्लिश वर्ड की तरह, ठीक है। ए आई एस बराबर है आई के, और एस बराबर है ओके, और एस बराबर है यू के, इनमें से किसी भी करेक्टर के अगर बराबर है ए ई आई ओ यू, इनमें से किसी भी कंडीशन के अगर ये बराबर होता है तो हम प्रिंट करवा देंगे जो करेक्टर एंटर हुआ है वो विल करेक्टर है। तो वो विल लिखें सी एच ए आर ए सी टी ए आर, तो वो विल करेक्टर, या यू एंटर वो विल करेक्टर सी, ठीक से लिखते हैं थोड़ा, यू एंटर वो विल करेक्टर, ठीक है। एल्स इनके अलावा अगर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी ए ई आई ओ यू इनके अलावा अगर कुछ प्रिंट हुआ तो हम बोलेंगे यू एंटर कंसोनेंट करेक्टर, ठीक है। तो यह बन गया हमारा प्रोग्राम, मैंने इसको सेव किया और अब मैं रन कराता हूँ। मैं लिखता हूँ पाए या पाइथन, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, और आगे फाइल का नाम विद एक्सटेंशन डेमो डॉट पाए, और देखिए ना डेमो डॉट पाए फाइल का नाम है। मैंने किया एंटर और देखिए पूछा एंटर करेक्टर, मैंने करेक्टर जैसे इसको दिया ई जो कि एक वोवेल्स करेक्टर है, ठीक है, तो मैंने इसको एंटर किया तो आ गया यू एंटर वोवेल करेक्टर, ठीक है। ये और ऑपरेटर का बिहेवियर अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो देखिए और एंड इनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना, लाइक जैसे अगर पहली फॉल्स होगी कोई दिक्कत नहीं है, ये अगली चेक करेगा, ठीक है, ये अगली कंडीशन को चेक करेगा, अगली फॉल्स ही तीसरी को चेक करेगा, कब तक, जब तक कि इसको कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती। अगर बीच की भी कोई एक कंडीशन इसको ट्रू मिल गई तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम और लगाते हैं, क्योंकि हमें कोई एक ही चाहिए अभी की नीड के हिसाब से, अभी हमें ज़रूरत क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर एस में भी आई है तो भी आ जाए एंटर है वो विल करेक्टर, ई भी है तो भी आ जाए वो विल करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर और ऑपरेटर बिल्कुल परफेक्ट लगाया हमने, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं इसको एक बार और रन करूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको एक बार और रन करता हूँ, अरे ये क्या कर दिया, एक मिनट मैं नया टर्मिनल खोलता हूँ ना से, तो मैं एक बार और रन करता हूँ पाइथन डेमो डॉट पी वाई, एंटर किया। अब मैं जो करेक्टर वो मिले वो एंटर नहीं करता हूँ, अब जैसे मैंने एफ एंटर किया तो देखिए यू एंटर कंसोनेंट करेक्टर, तो प्रोग्राम हमारा बन चुका है एकदम परफेक्ट। और ये आप समझ नहीं रहोगे किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसमें एक चीज़ और है कि अभी तो मैंने इसको स्मॉल लेटर से कंपेयर करवाया, आप ओ लगाकर इन्हें कैपिटल लेटर से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं इसको रन कराऊंगा, जैसे मैंने लिखा दोबारा मैंने रन करवाया, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिखता हूँ जो कि एक है तो वो भी करेक्टर, अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यू एंटर कंसोनेंट करेक्टर, जबकि ये वो भी करेक्टर है क्योंकि हमने ना कैपिटल लेटर से कंपेयर नहीं करवाया, स्मॉल लेटर से करवाया, इसे नहीं हो रहा, तो हम ओ लगा के इनको कैपिटल लेटर से भी कंपेयर करवा सकते हैं। जैसे मैं ऐसी कोई कॉपी करता हूँ पूरी लाइन को, ठीक है, मैंने इसी को ही कॉपी किया और ऑल लगाता हूँ मैं यहाँ पर और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है, अभी कैपिटल यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख दिया मैंने। अब कुछ भी एंटर होगा तो ये बता देगा ये एंटर वो विल करेक्टर, मैंने इसको रन किया तो देखिए एंटर करेक्टर, ये हमसे कह रहा, अरे मैंने क्यों कर दिया, सी एल एस, मैं लिखता हूँ पाई डेमो डॉट पी वाई, एंटर करेक्टर, अब मैंने करेक्टर एंटर किया जैसे इसको कैपिटल में ए, तो पहले आ रहा था कंसोनेंट करेक्टर, अब मैं एंटर करता हूँ तो यू एंटर वो विल करेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक कोड बन चुका है, अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस तरह के इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चन मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा और तरह के, और थैंक यू।